हम वहां चुनाव लड़े जहां पर 60% बूथ पर भाजपा का टेबल भी नहीं लगता था। डर के मारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रताड़ित होते थे, कुछ कहते नहीं थे, ध्वज अपना उठाकर निडर होकर फिर भी विषम परिस्थितियों में चलते। हम हारे लेकिन भागे नहीं, डटकर हम वहां लड़े और लड़ने का परिणाम यह हुआ कि आज वहां से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस हिचकिचाती है। मैंने तो यहां तक पूछा कि आपकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष जी से ये सपा का 3 बार कैंडिडेट बदला है कि 4 बार बदला है। उन्होंने कहा दीदी नहीं, 3 ही बार बदला है। फॉर्म भरने की तारीख समाप्त नहीं होती तो क्या पता और बदल जाता। तो आपके यहां पर सपा उम्मीदवार पर उम्मीदवार बदल रही है, मेरे यहां पर कांग्रेस उम्मीदवार अभी घोषित नहीं कर रही है। लेकिन उम्मीदवार घोषित ना करना, मैं मीडिया के बंधुओं से विशेष कहना चाहती हूं, उसमें हिचक मात्र एक है, क्योंकि पहले उन्हें वायनाड का चुनाव लड़ना है, फिर उत्तर भारत आना है। और वायनाड में वो कैसा चुनाव लड़ रहे हैं? वायनाड में पीएफआई नाम का आतंकी संगठन है जिस पर प्रतिबंध लगाया है भारत की सरकार ने, उसके राजनीतिक नेताओं के समर्थन से राहुल गांधी वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं। और जितनी बहनें और फर्स्ट टाइम वोटर जहां बैठे हैं, मैं चाहती हूं कि वह ध्यान से सुने कि आतंकी संगठन क्या है। एसजीपीआई नाम के संगठन ने केरल में हर जिले में हिंदू नेताओं की लिस्ट बनाई है जिनका वो वध करना चाहते हैं। आप सोचिए, आज गांधी खानदान चुनाव लड़ने के लिए आतंकी संगठन के राजनीतिक नेताओं का समर्थन लेने को तैयार है जो फेरिस्त बनाते हैं हिंदुओं की हत्या की। और इसीलिए आपको सोचना है कि जिनको सत्ता की इतनी भूख है कि वो आतंकवादी संगठन का भी समर्थन ले लें, क्या ऐसे लोग हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं, संविधान में कांग्रेस पार्टी का विश्वास नहीं। आज मैं सरेआम दंगे की चोट पर मेरठ की इस पुण्य भूमि पर उन पर आरोप मढ़ती हूं। अगर आप तमिलनाडु जाके कांग्रेस पार्टी के समर्थक देखें तो वो लोग हैं तमिलनाडु में डीएमके के जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान सरेआम जलाया। सत्ता का इतना लालच है गांधी खानदान को कि जिन्होंने बाबा साहेब का संविधान जला डाला, गांधी खानदान उनका भी समर्थन लेंगे। बंगाल में किसका समर्थन लेंगे? बंगाल में गांधी खानदान कांग्रेस के नेता उनका समर्थन लेते हैं जो राम नवमी का जुलूस निकालने वाले राम भक्तों के ऊपर पथराव करते हैं, राम का नाम लेने पर लोगों को प्रताड़ित करते हैं। सरेआम बंगाल में जो नौजवानों को मौत के घाट उतार कर उनकी लाशों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे लोगों से कांग्रेस के नेता समर्थन लेते हैं। आज इसीलिए सभागार में हर नागरिक से कहने आई, जब अरुण जी कहते हैं वोटिंग के दिन जाकर वोट दो एक एक, आपको आज सावधान करने आई हूं। आपका वोट क्या मायने रखता है? जिंदगी और मौत के बीच का अंतर है आपका वोट। आपका वोट क्या मायने रखता है? संविधान के संरक्षण और संविधान को चलाने वालों के बीच का फर्क है आपका वोट। ये बैठी है जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, इन्होंने वो मंजिल नहीं देखा जब महिला अगर प्रतिभाशाली हो लेकिन घर की मजबूरियां हो और महिला कहे कि मुझे अपने दम पर कुछ करना है।
के डब्बे में रुपया रुपया जोड़ कर रखती, घर में कोई मुसीबत आती वो पैसा भी देती, अपना गहना भी देती, अपना सब कुछ अपने परिवार पर न्योछावर करती और अपने सपनों को कुचल कर चुपचाप अपने घर में रहती। मोदी ने कहा राष्ट्र का उत्थान करना है, तो महिला का उत्थान छोड़ो, महिला के दम पर पूरे हिंदुस्तान का उत्थान करो। ये सोच हिंदुस्तान में पहली बार नरेंद्र मोदी लेकर आए। ये कोई सोच नहीं सकता था कि हमारे देश में 24 करोड़ महिलाओं का जीवन में कभी बैंक का खाता तक नहीं था। मोदी ना आते तो ये भी मुमकिन ना हो पाता। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के प्रति, जैसे तोमर साहब ने कहा महिलाओं का वोट परसेंट बढ़ता है, उसका पहला कारण शौचालय बनाना और दूसरा कारण ये कि जिसने हर घर की बेटी को लक्ष्मी स्वरूपा माना, ऐसे भाई के सर पर हमेशा बहनों का आशीर्वाद रहेगा। कोरोना की मुसीबत आई, आज हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पर सुरेश जी उपस्थित हैं, हमारे लोकसभा के संयोजक शर्मा जी हैं, हमारे प्रभारी विजय जी हैं। आप किसी भी जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछे, जब मौत मंडरा रही थी सर पर, तब न सपा का कोई कार्यकर्ता दिखा न बसपा का, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था जिसने गांव गांव घर घर जाकर हर मोहल्ले में मास्क बांटा, सैनिटाइजर बांटा और गरीब को खाना बनाकर खिलाया और मोदी ने मुफ्त का राशन पहुंचाया। ऐसे माहौल में जब देश को एकजुट रहने की जरूरत थी, तब सपा वालों ने कहा टीका मत लगाओ, कांग्रेस वालों ने कहा टीका बाहर से लाओ, मात्र मोदी था जिसने कहा हिंदुस्तान में टीका बनाओ, पूरे विश्व में हिंदुस्तान का जोहर दिखाओ। यहाँ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? पुरुषों ने नहीं लगाई क्या? लगाई है? आज ये कहने आई हूँ कि जिसने वैक्सीन लगाई हाथ उठाया, वही हाथ दिल पर रखकर बोलो, अगर केंद्र में कांग्रेस की सपा की सरकार होती तो क्या वैक्सीन मुफ्त में सब तक पहुंचता? अगर केंद्र में सपा की कांग्रेस की सरकार होती तो क्या गरीब तक मुफ्त अनाज पहुंचता? वैक्सीन लगाया ना तो 26 तारीख को जाओ पोलिंग बूथ पर, सपा को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ, कमल का बटन दबाओ और अगर गोविंद को जिताओ।